द फैमिली मैन, जिसमें कास्ट हैं मनोज वाजपेयी जी हैं, प्रिया अमनी हैं, दिलीप ताहिल है, शरद केलकर है और बहुत सारे नए नए एक्टर भी इसके अंदर आए हुए हैं। और अगर इस फैमिली मैन की अगर कहानी की बात करें तो इस कहानी में, ये कहानी क्या एक सीरीज़ है, 10 एपिसोड हैं इसके अंदर और हर एपिसोड लगभग 50 एक मिनट का है। यानी अगर आप टोटल 10 एपिसोड की बात करें तो करीबन करीबन 8 घंटे या 7.5 घंटे के ऊपर चले जाते हैं। अगर द फैमिली मैन की सीरीज़ की बात करें जिसके 10 एपिसोड हैं, जो 10 एपिसोड के अंदर जो कंट्रोवर्शियल जो इशू इसने उठाए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर, जो मैं इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सिंपल है अपनी, इसके अंदर हम बिल्कुल नॉर्मल से ही चलने वाले हैं। तो बात करें इसके अंदर मनोज वाजपेयी जो हैं, जिन्होंने उम्दा लेवल की एक एक्टिंग की है, मतलब एक वो एक अंडरग्राउंड रहकर अपने फैमिली को नहीं बताते वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि वो एक फाइल वर्क कराते हैं, ना कि वो फील्ड वर्क पे जाते हैं, और दूसरी तरफ अपनी फैमिली को संभालते हैं। इन दोनों चीज़ का जो प्रेशर एक इंसान के ऊपर दिखता है कि वो अपनी ड्यूटी की भी बात अपनी फैमिली से नहीं कर सकता, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके फेस पे वो झलकती हैं, वो स्ट्रेस उनके फेस पे आता है। तो एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक एक्टिंग किया, जब ये वो एक किरदार निभा रहे थे तो कहीं से भी ये देख के नहीं लगा कि वो किरदार में है, बल्कि ऐसे लगा जैसे कि वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। यानी आप देख के बता ही नहीं सकते कि वो एक एक्टिंग चल रही है, लेकिन वो एक्चुअली वो लगेगा कि वो एक रियल चीज़ है। और इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखा गया है, मतलब कि इसमें जो सीन दिखाए गए हैं, जैसे जैसे हर एक सीन को, हर एक सीरियल को आप देखते चलोगे, हर एपिसोड को, तो आपको इतना रियलिस्टिक, इतना रियल लगेगा कि लगेगा वो कोई सामने ही हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिया अमनी की, जो जिन्होंने किरदार निभाया वाइफ का, मनोज वाजपेयी जी की वाइफ का किरदार निभाया है इस सीरीज़ के अंदर, उन्होंने भी बहुत एक अच्छी भूमिका निभाई है यहाँ पे। जैसे वो किरदार को, जैसे उस किरदार के अंदर घुस गई हैं, इतनी डीपली उन्होंने उसको परफॉर्म किया है। अब इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे घरेलू मुद्दे भी उठाए गए हैं जो मुझे देख के अच्छा लगा कि जो डायरेक्टर है उसने कितनी, मतलब वो ग्राउंड लेवल से वो कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाना, वो ग्राउंड लेवल से जुड़ के ही वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि इसमें कैसे बच्चे डेली अपने फ़ोन के अंदर ही सारा टाइम निकाल देते हैं, सारा का सारा दिन वो फ़ोन के अंदर लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में वो अपनी लाइफ बिता रहे हैं, और कैसे आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं अपने माँ बाप से। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई है जो देख के भी बड़ी हंसी सी आई। और इस पूरी सीरीज़ में अगर आप पूरे 10 एपिसोड की बात करें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो पूरे एपिसोड में ये नहीं कि आपको कहीं वो बोर करेंगे, ह्यूमर का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी सीरियस पंच को भी कैसे वो कॉमेडी में बना सकते हैं, ये देखने वाली बात है। मैं हैरान था कि मुझे हर एपिसोड में कहीं ना कहीं हंसी आ रही थी, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, और ये कोई वल्गर चीज़ नहीं है। इस द फैमिली मैन की बात थी, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, आप एक फैमिली मैन है तो फैमिली के साथ भी इसे देख सकते हैं। वैसे ना ही देखे तो अच्छा है, मतलब लैंग्वेज वो दूसरी वाली है, ठीक है। अब काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसको सेक्रेट गेम के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं कि वो सेक्रेट गेम को आप देख भूल जाएंगे आप इसको देखेंगे। देखो यार, सेक्रेट गेम के जो एक्टिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने जो की है वो एक अलग चीज़ है, और इसमें जो मनोज बाजपेयी जी ने जो एक्टिंग की है वो एक अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि अब एक ये नई चीज़ आई है तो वो सेक्रेट गेम को हम नीचे कर दें, यानी इस चीज़ को उठाने के लिए पुरानी वाली चीज़ को हम बुराई कर दें, तो ये कहीं से भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये मैं कहूँ कि भाई हाँ वो सेक्रेट गेम ख़राब है, ये फैमिली मैन अच्छी है, नहीं, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। वो सेक्रेट गेम अपनी जगह अच्छी है और ये फैमिली मैन एक्टिंग में अपनी जगह अच्छी है। अब रही बात जो इसके अंदर कंट्रोवर्शियल इशू उठाए गए हैं, वो इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता था क्योंकि ये वीडियो हो जाती बहुत ज़्यादा लेंथी, उसके अंदर बहुत सारे जो डिस्कशन हैं मुझे करने हैं, मैं चाहता हूँ वो करें हम, कि एक केवल एंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं, कि हम एक इंटेलेक्चुअल सोशली हम अवेयर हुए कि क्या हमें दिखाया जा रहा है, हमें उस चीज़ को कैसे देखना चाहिए, तो वो एक चीज़ हम भी बात करें उसके बारे में। हम अपने
जो ओपिनियन है वो एक दूसरे के सामने शेयर करें, तो वो एक इंटेलेक्चुअल बात मैं चाहता हूँ कि वो हम सब करें कि इस सीरीज में जो दिखाया गया है वो कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक आपके ओपिनियन में वो गलत है। जैसे कि जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है थिएटर में, तो एक राष्ट्रगान चलाया जाता है और उसके लिए हर किसी को खड़ा होना होता है, तो इसको लेके एक इशू इसके अंदर दिखाया गया। जो गौ रक्षक के नाम पे लोगों को मार रहे हैं उसको लेके एक इशू इसके अंदर दिखाया गया, कश्मीर को लेके इसमें एक इशू दिखाया गया, और वन नेशन वन लैंग्वेज को लेकर भी इसके अंदर एक इशू दिखाया गया। तो बहुत सारे इशू हैं, इनको हम डिस्कस करें ताकि आप भी जाने कि रियलिटी में हो क्या रहा है। केवल ये मूवी ये सीरीज देखकर ही हम अपने माइंड को प्रिपेयर ना कर लें कि हाँ ये जो इन्होंने दिखाई है वही सच है, या इसमें कितनी अफवाह है, कितनी गलत चीज़ है, कितनी सच्चाई है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, उसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मतलब अलग रख रहा हूँ, ताकि हम उसके ऊपर अच्छे से उसके ऊपर वार्तालाप कर सकें, मैं मतलब बैठ के बातचीत कर सकें, अपने ओपिनियन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, आप कहीं सही हो सकते हैं, तो आप में से आपसे मैं कुछ सीखूँ, और मैं अगर कहीं सही हूँ तो आप मुझसे कुछ सीखें। तो इसे एक इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं बात करना अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो मैं चाहता हूँ। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।